पिछले चुनाव के दौरान मनिहारी के निवासी शेखर कुमार ने अपने बड़े भाई एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभु सुमन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शेखर कुमार ने अपने आवेदन में कहा था कि उनके भाई शंभु सुमन ने जबरदस्ती उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली है और जिला प्रशासन ने भी बिना उनकी सहमति के चुनाव के दौरान गाड़ी को इधर उधर दौड़ाने की अनुमति दे दी। इस पर शंभु सुमन ने करारा जवाब दिया है। श्री सुमन ने अपने भाई द्वारा लगाए गए इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू को बताया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। गाड़ी सिर्फ उनके भाई के नाम से नहीं बल्कि हम दोनों भाई के संयुक्त नाम से है। आप खुद सुनिए शंभु सुमन क्या कह रहे हैं। हम आप सबों को बताना चाहेंगे कि स्कॉर्पियो गाड़ी सिर्फ उसके नाम से नहीं है, स्कॉर्पियो गाड़ी दोनों भाई के संयुक्त नाम से है। लेकिन चूँकि उसको उसके नाम से मैंने ही लिया था, लेकिन वो गाड़ी दोनों के ही नाम से है, तो जिसका प्रमाण स्वरूप बैंक से सारा डिटेल में लिख करके बैंक मैनेजर ब्रांच मैनेजर के द्वारा दिया गया है और इसमें सारी चीज़ें हैं। वो स्कॉर्पियो जरूर उनके नाम से और मेरे नाम से भी है। इसके साथ ही शंभु सुमन ने मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। श्री सुमन ने कहा कि विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने मेरे भाई शेखर को दिग्भ्रमित कर और उसे मुखिया बनाने का लालच देकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। श्री सुमन ने आगे यह भी कहा कि विधायक महोदय ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह का मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आप खुद सुनिए। मनिहारी के माननीय विधायक इतना अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ इतना घटिया स्तर की राजनीति और इतना स्तर विहीन राजनीति करते हैं, ये हम ईश्वर से चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे इस उम्र में भी, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना वो हर कोई होता है, हर जगह होता है, पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में नहीं लेना चाहिए। और मेरे ही परिवार के सदस्यों को दिग्भ्रमित करके झूठा आरोप लगवा करके इस तरह से आरोप लगाना, और हर बार खास करके हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ झूठा आरोप लगाते हैं। पिछले बार मैंने बताया कि 2020 के चुनाव के समय में भी इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया, जिसका ये प्रमाण है, और ये 2024 एमपी चुनाव के समय में ठीक चुनाव से दो दिन पहले इस तरह का झूठा और निराधार आरोप लगाया गया। तो हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। अब सवाल तो आरोप प्रत्यारोप को लेकर है, गाड़ी किसके नाम से है यह तो जांच का विषय है। फिलहाल इतना तो तय है कि मनिहारी के इन दोनों नेताओं के बीच घमासान छिड़ा हुआ है।